अगर आपको पिज्जा बनाने का मन हो और टाइम पे आपके पास चीज अवेलेबल ना हो तो फिर आपको परेशानी होगी ना फ्रेंड्स। और मान लीजिए अगर आप गांव में रहते हो तो आपको मार्केट जाना होगा, इसमें टाइम तो बहुत वेस्ट होगा और मन तो फिर मन होता है। लेकिन इसका सलूशन है मेरे पास, लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं 4 से 5 स्पून विनेगर ली हूँ यानी कि सिरका। उसके बाद मैं यहाँ पे ठंडा पानी ली हूँ, बिल्कुल चिल्ड पानी हमको लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठंडा पानी है। और अब मैं यहाँ पे गर्म पानी ली हूँ जो कि नॉर्मल गर्म है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक। घर में चीज बनाने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमको 1 लीटर दूध चाहिए। और दूध हमारा जो है फुल फैट दूध होना चाहिए। ये मेरा दूध डेयरी का है, आप चाहें तो गाय के दूध से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैसा आपका दूध होगा वैसा आपका चीज़ निकलेगा। तो अब मैं यहाँ पे गैस ऑन कर देती हूँ और गैस पे मैं दूध को रख दूँगी और इसको हमको जो है कंटिन्यू चलाते हुए और गर्म करना है फ्रेंड्स। अगर हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो नीचे से दूध हमारा गर्म हो जाएगा और ऊपर हमको दिखेगा कि अभी दूध गर्म नहीं हुआ है, जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो पनीर बन जाएगा। तो हमको पनीर नहीं बनाना है, हमको इसका चीज़ बनाना है। तो हमें इसके टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होगा और साथ में इसको चलाते भी रहना होगा और गैस का फ्लेम हमको स्लो रखना है फ्रेंड्स, या फिर हम मीडियम रखेंगे, हमको फास्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, मैं जब इसमें उंगली डाल रही हूँ तो हमको ये महसूस हो रहा है कि हाँ दूध हमारा जो है हमारा उंगली सह सकता है, मतलब मैं दूध में उंगली रख सकती हूँ। तो अभी ये उतना गर्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा कम ही गर्म है, तो मैं थोड़ा सा और इसको गर्म कर लेती हूँ चलाते हुए। इसमें हमको उबाल नहीं आने देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि उंगली मैं इसमें रख सकती हूँ, इतना ये गर्म हो चुका है। इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जो मैं आपको विनेगर दिखाई थी उस विनेगर को मैं यहाँ पर ले ली हूँ और थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते हुए और हमको कंटिन्यू चलाते हुए इसको और दूध को फाड़ना है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें विनेगर डालते जाएंगे और कलछुल से इसको हम चलाते जाएंगे, इससे हमारा जो है दूध फट जाएगा और बहुत अच्छा लचीला सा चीज़ हमारा बन करके और तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध हमारा फट चुका है। अब हम इसको चलाते हुए और इसको हम इकट्ठा करेंगे। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चीज़ बनाएं आप विनेगर डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, नहीं तो आपका चीज़ अच्छा नहीं बनेगा। ये जो दूध का पानी है ये बिल्कुल हरा दिखना चाहिए और हमारा जो है चीज़ अलग हो जाना चाहिए, इतना तो विनेगर हमको डालना ही होगा। तो मैं यहाँ से 4 से 5 चम्मच सिरका डाले हूँ यानी कि विनेगर और अब मैं इसको नीचे उतार ली हूँ। और देखिए आप कलछी की सहायता से मैं सारे चीज़ को इकट्ठा कर रही हूँ और पानी अलग हो जा रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक एकदम ज़रूरी बात, आपको यहाँ पे नींबू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पे विनेगर ही चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं चीज़ को हाथ में अपने बाहर निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चीज़ हमारा बन करके और तैयार हुआ है। और अब पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ हमारा इकट्ठा होकर के और बाहर निकल गया है। और आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा बन करके चीज़ हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसको हाथों से निचोड़ करके और सारे पानी को हम अलग कर देंगे, हमको चीज़ में बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसको निचोड़ के तैयार कर रही हूँ और आप देखते हैं कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब जो मैं आपको ठंडा पानी दिखाई थी ये बिल्कुल चिल्ड पानी है, इसके अंदर हम इसको डाल देंगे और इसको थोड़ी देर तक रखते हुए फिर बाहर निकालेंगे। इस तरीके से घुमाते हुए निकालते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है। और फिर हम हाथों से प्रेस करते जाएंगे और इसका पानी निकालते जाएंगे, फिर हम इसको पानी में डालेंगे
और फिर इसको हम बाहर निकाल, इसी तरीके से हमको मतलब बार बार इस प्रोसेस को करना है। इससे ये होगा कि जो हमारा खटास है ना सिरके का, वो बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल फ्रेश चीज़ हमारा बन करके और तैयार होगा। तो इस प्रोसेस को हमको बार बार करना है इसी तरीके से, ठंडे पानी में डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आइस का भी पानी ले सकते हैं, क्योंकि हमको चिल्ड पानी ही तो यहाँ पे चाहिए होगा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पानी हम इसमें से निचोड़ के और इसको अब मैं हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे लूँगी नमक वाला पानी, जो गर्म पानी है, और उसके अंदर इसको हम डालेंगे, क्योंकि नमक के पानी से जो है बहुत अच्छे से खटास इसका बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे गर्म पानी और नमक का पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप वो करते जाना है और इसका खटास निकाल लेना है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि गर्म पानी में डालने के बाद से ये थोड़ा सा सिल्की सा हो गया है। तो इसको इस तरीके से हम करते जाएंगे और पानी इसका हम निचोड़ लेंगे अच्छे से। अगर हम इसमें पानी रखेंगे तो चीज़ हमारा बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमको अच्छे से पानी बिल्कुल दबा दबा करके हाथ से और निकाल लेना है, क्योंकि हमारे पास मशीन तो है नहीं, तो हमको हाथ से ही निकालना है। तो इस प्रोसेस को हमको बार बार करना है और इसको हम निकाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा चीज़ हमारा बन के और तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग है इसमें, ये घर का बना हुआ चीज़ है। और हम यहाँ पे टैबलेट भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, हम तो सिंपल होममेड चीज़ घर पे बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप पानी निचोड़ लें और चीज़ हम इस तरीके से बना के रखेंगे तो हम 10 से 12 दिन तक चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख करके। हमको इसको फ्रिज में ही रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी हमारा निकल चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा चीज़ बन के तैयार हुआ है हमारा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें एक ड्रॉप भी पानी न रह जाए, सारा पानी निकल जाना चाहिए। और सिरके का फ्लेवर भी हमारा गर्म पानी में से निकल जाएगा, तो इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ जो है ये एक रैनिक टेबलेट से बनता है, जो कि हमको ही बहुत दिक्कत से मिलेगी और आपको तो मिलेगी ही नहीं, तो ऐसा परेशान होने वाला काम ही क्यों करो। एक बेहतरीन घर में ही चीज़ बना करके और तैयार कर लो। हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, चीज़ बॉल्स बनाते हैं, जहां हमको चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम बार बार मार्केट कहां तक जाते रहेंगे, उससे अच्छा हम होममेड चीज़ घर में ही बना लेते हैं। अब आप एक पॉलीथीन लीजिए, आप चाहें तो नॉर्मल पॉलीथीन भी ले सकते हैं, और उसमें इसको अच्छे से कस करके और इसको पैक कीजिए और इसको 2 घंटे के लिए अब हम फ्रिज में रख देंगे। हमको फ्रीजर में रखना है, हमको फ्रिज में रखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो चीज़ घर में मिल जाएगा वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसको कस करके और बांध दीजिए इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और चीज़ आप देखिए हमारा बन करके तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और 2 घंटे बाद मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ कि कैसा हमारा चीज़ बन के तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल करके और आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा चीज़ हमारा बनकर तैयार हुआ है और इसमें शाइनिंग कितनी आ रही है, ये तो आप देखिए। अब मैं आपको क्रश करके और दिखा रही हूँ इसको, ये देखिए इस तरीके से। यही तो हमारा चीज़ है जो हम चीज़ पिज़्ज़ा में डालते हैं। आप देखिए मार्केट के चीज़ में और घर के चीज़ में फ़र्क ही क्या है, कुछ भी नहीं। और तो हमारा फ्रेश बनकर घर में तैयार हुआ है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको बना करके दिखाती हूँ आपको। तो ये चीज़ तो मैं क्रश करके तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स, और मेरे पास यहाँ पे ब्रेड नहीं है तो मैं आपको रोटी पे दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रोटी है और मैं इस पे लगा दी हूँ पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर मैं अब यहाँ पे डाल दूँगी चीज़। मैं यहाँ पे आपको मेल्टिंग दिखा रही हूँ कि इसकी मेल्टिंग कैसी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके का चीज़ आप डालेंगे कम या ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये रोटी है बस आपको दिखाने के लिए। अभी तवा गर्म है हमारा और इस पर मैं रोटी को रख दी हूँ। अभी किस तरीके का मेल्ट होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और इसका स्ट्रक्चर भी दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना बढ़िया मेल्ट हुआ है, ये देखिए। और खिंचाव भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हुआ है, बिल्कुल मार्केट की चीज़ जैसा। तो इस तरीके से आप आसानी से घर में बना सकते हैं फ्रेंड्स, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है बनाने में।
तो देखिए इस तरीके से आप घर में फ्रेश बना करके चीज और तैयार कर सकते हैं, और जब जी चाहें जब आप इससे जुड़ी हुई रेसिपी आप बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और भी ऐसी रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखें खूब सारा ख्याल। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।